नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि सभी के करियर को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर जानकारी का अभाव है या किसी को इतना रिच इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर जो यूजीसी नेट क्लियर करके क्या मिलेगा, इसके दो पार्ट हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक दूंगा। उनमें भी मैंने कुछ ऐसी बातें कही है जो मैं इस वीडियो में आपको कहने वाला हूँ, कुछ और भी कहा है और यहाँ भी कुछ नया ऐड अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों वीडियो के बारे में अब मुझे इतना याद भी नहीं है कि मैंने पिछली में क्या बोला था। तो कोशिश में इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं देखा इसे बनाने से पहले, ताकि दोनों में अपनी एक इनोवेशन और एक टच रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास उसके व्यूज़ हैं इस टाइम, बहुत ही लोगों ने उसे देखा और सराहा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद मिल जाती है। आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं भी होगी, तो दोनों लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि रेलिवेंट है, आपके करियर से रिलेटेड है। पूरा देखिएगा वीडियो को। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत से पढ़ाई के वीडियो और क्लासेस आपको यहाँ मिलती है, नेट के रिगार्डिंग हो। अब तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी मैं क्लासेस डालने वाला हूँ, क्योंकि 20 तारीख को सबका एग्ज़ाम है तो उनकी भी डालूंगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं मैं अकेडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर नवीन सा टाइप कीजिए और यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। हमारे वहाँ पर 50,000 व्यूज़ आज क्रॉस हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन लेसन्स को देखा, सराहा, और आपकी अगर उनसे ज़रा सी भी मदद हुई तो मेरे मन को बड़ी खुशी मिली उसको लेके। देखिए, कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नेट में 40% पास करने से कुछ नहीं होता, एक बात तो आप सभी ये लोग जान लो कि 40% नेट में लाने से नेट पास होने का मतलब कुछ नहीं होता। नेट तो दो ही तरीके से पास होता है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर एपी से या फिर जेआरएफ से। दोनों के फायदे बता दूंगा, दोनों में कौन कौन से करियर ऑप्शन आप चुन सकते हो बता दूंगा। अगर नेट का अब कट ऑफ आता है, कट ऑफ कैसे आता है, सपोज कीजिए कि भाई आपने नेट दिया। अब बहुत से कैंडिडेट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में नेट देते हैं, हर स्ट्रीम्स के जितने कैंडिडेट्स ने टोटल पेपर दिया है उसमें से 6% टॉप निकाल दिए जाते हैं, उसमें से टॉप में निकालने के बाद जेआरएफ निकाल दी जाती है। तो ये जो क्राइटेरिया बेसिस हैं परसेंटेज चुनने का और कट ऑफ लाने का, क्राइटेरिया चाहे 6% हो या टोटल 3% हो, चाहे कुछ भी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अब आप निकालेंगे कट ऑफ टॉप 5, टॉप 10, टॉप 6, टॉप 3, कितना भी परसेंटेज जो ऑलरेडी तय है वो लेके। अब सपोज कीजिए कि उस हिसाब से कट ऑफ लगभग जो नेट का रहता है 50 से 60% के बीच में रहता है, कुछ स्ट्रीम्स में और कुछ में 65 चला जाता है, तो ये एक जनरल एवरेज है। अगर आप इस कट ऑफ के बीच में आते हैं, इससे 4 या 5% हाई होता है आपका जेआरएफ का कट ऑफ। सपोज 50 अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का आया है तो 55 आएगा जेआरएफ का। अगर आप 50% से ज़्यादा लाते हैं और आपने सिर्फ एपी क्लियर किया है, 55 आप जेआरएफ वाले नहीं ला पाए, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझना, तो आपका सिर्फ एपी क्लियर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से नेट क्लियर होगा। यदि आप जेआरएफ की जो सीमा है उसे पार कर गए तो आपका जेआरएफ प्लस एपी दोनों क्लियर हो जाएगा। एपी क्लियर होने की स्थिति में आप क्या करेंगे, आप अलग अलग कॉलेजेस में प्राइवेट या गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपने जिस स्ट्रीम में नेट दिया है उसमें आती है। तो दूसरी बात, आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी कंपनीज में भी जो कि नेट क्लियर कैंडिडेट्स को मांगती है, स्पेशली जो हमारी नवरत्नाज हैं, ONGC, भेल, यहाँ बहुत से लोग नेट करके लगते हैं। तो यहाँ भी नौकरियों पे ध्यान रखा करिए, अटेंशन बनाए रखा करिए, बहुत अच्छा करियर है नेट के कैंडिडेट्स को, यहाँ भी ये लोग लेते हैं। अब दूसरी बात करूँगा जो बच्चे JRF क्लियर करते हैं। देखिए, JRF में आपके बहुत फ़ायदे हैं, और जब से अब तो देखिए JRF में जो 25 से 27 हज़ार का आपको अमाउंट मिलता था उसे बढ़ाने की बात हो रही है, उसमें 55% वृद्धि करने की बात की जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लेना, कि JRF 25 वाला लगभग लगभग 52,000 होने वाला है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको एक बेहतरीन फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा,
यदि आप अपने सब्जेक्ट में जेआरएफ ले आएंगे, और उससे एडिशनल क्या होगा, आपकी पीएचडी भी आप कंप्लीट कर लेंगे 5 साल पढ़ के, जिसमें 3 साल आपको जेआरएफ मिलेगी, जो अगर बढ़ गया अमाउंट तो 50-52 हो जाएगी, अभी के हिसाब से 27-28 के आसपास रहेगी, और फिर 2 साल अगले 3 साल के बाद जो जेआरएफ है वो बदल जाएगी एसआरएफ में, जो कि आपकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, उसमें बदलने के बाद आपके 8 से 10 हज़ार रुपये और बढ़ जाते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा कि एक बहुत अच्छा डिसेंट स्टिपेंड फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ आपको मिल जाए और आपकी पीएचडी भी हो जाए। और पीएचडी कैंडिडेट्स को तो आप सभी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में प्रेफरेंस तो दी ही जाती है, क्योंकि एक स्कॉलर और एक रिसर्च स्कॉलर जो होगा उसमें और एक पोस्ट ग्रेजुएटेड में कुछ तो फर्क होगा ही। हर संस्थान कहीं ना कहीं पीएचडी को ज़्यादा वैल्यू तो देगा ही। तो ये चीज़ गाइस समझिए, और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो बनाने का आपके साथ यही मकसद था, और यही मेरा सबसे बड़ा कारण था वीडियो बनाने का, कि आपको एक स्पष्ट जानकारी सिंपल शॉर्ट तरीके में समझाई जाए, आपके आधे आधे घंटे ना खराब किए जाएं, और वीडियोस की तरह आपको फालतू की बातें बताने में। एपी का बेनिफिट जानो, जेआरएफ का बेनिफिट जानो, नेट के बाद ये सबसे बड़ी दो अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर कहोगे तो डिटेल में वीडियो और बना दूंगा, लेकिन डिटेल में वीडियो तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक आप नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़रा सा भी समय बर्बाद हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, और धीरे धीरे जिस फील्ड में आप हैं उसकी नॉलेज भी लेते चलिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी वीडियोस हम आपको यहाँ देते हैं। अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर लो, जितनी भी क्लासेस आपको देखनी है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, जाके पढ़ लो, बहुत हेल्प होगी आपकी, बहुत मदद होगी। और अगर हमें अच्छी रेटिंग्स देना चाहते हो, वीडियो को लाइक देना चाहते हो, कुछ भी अगर हद किसी भी तरीके से हम आपकी मदद करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, अगर वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी मदद की है तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा शुक्रिया होगा, जिसके लिए हम अभी आपको कहते हैं कि सपोर्ट के लिए और वीडियोस को शेयर करने के लिए जो आप सब लोग करते हैं लाइक करने के लिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।